Assalamualaikum friends, welcome to my tutorial. फातिमा फैशन में आप सबका स्वागत है. आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगी कैसे हम घर में ही डोरी वाले पाइपिंग बना सकते हैं. तो इस तरह से डोरी आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, जहां से आप सिलाई के सामान खरीदते हैं वहां पर आप बोलिएगा डोरी पाइपिंग के लिए मुझे डोरी चाहिए. तो इस तरह से आपको कॉर्ड पाइपिंग भी बोलते हैं इसको, कॉर्ड पाइपिंग के नाम से भी मिल जाएगा. इस तरह से आपको ये मिल जाएगा. ये दो तरह की आता है, एक पतला वाला आता है और एक मोटा वाला आता है. मैंने ये पतला वाला लिया है, आप चाहे तो इससे मोटा वाला भी यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कपड़े को हमें कैसे कटिंग करना है. तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सीधा सा कपड़ा है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बॉर्डर है और इस तरह से, तो ये हमारा सीधा कपड़ा है. तो ये देखिए ये हमारा सीधा कपड़ा है और ये हमारा सीधा कपड़ा है. ये देखिए मैंने प्लास जैसा बना लिया ये. तो ये देखिए इस तरह से, इस तरफ भी सीधा है और इस तरफ भी मेरा कपड़ा सीधा है. अब यहां से यहां तक लेके जो आता है ये हमारा उरेब कपड़ा होता है, यही हमारा तिरछे कपड़ा होता है. यानी कि बायस पट्टी हम यहाँ से कट करेंगे, ये हमारा बायस पट्टी होता है. इस तरफ से जो हम कटिंग करते हैं इसे हमारा उड़ेब पट्टी भी बोला जाता है, इसे तिरछी पट्टी भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे बायस पट्टी भी बोलते हैं. तो हमें 1.5 इंच का या फिर 1 इंच का, आपको जितना चौड़ा, मुझे कम चौड़ा चाहिए इसलिए मैं 1 इंच चौड़ा स्ट्रिप कट कर लूंगी. अगर आपको नेक डिजाइन में या फिर ऐसा कोई घुमाव डिजाइन है वहां पर यूज करना है पाइपिंग, तो आप इस तरह से तिरछी पट्टी कट कर ले. और अगर आपको चाक फोल्ड करना है यानी कि साइड स्लिट फोल्ड करना है तो आप सीधी पट्टी भी कट कर सकते हैं. लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप तिरछी पट्टी ही यूज करें, इसमें ज्यादा बेहतर होता है. तो इस तरह से ये हमारा बायस है यानी कि ये हमारा तिरछी लाइन है. तो इस तरह से आप देखिए अगर कपड़े को हम खींचेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा रबर के जैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर इस तरह से खींचेंगे तो देखिए ये बढ़ेगा नहीं और इस तरफ भी बढ़ेगा नहीं. तो इस तरह से आपको तिरछी पट्टी कट कर लेनी है. तो चलिए पहले हम पट्टी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से. इस तरह से आप मार्क करके कटिंग कर ले, जितना भी आपको पाइपिंग की जरूरत है अपने जरूरत के हिसाब से आप उतना पाइपिंग कटिंग कर ले. और अगर आपका कपड़ा छोटा पड़ता है तो आप इसमें जॉइंट लगा ले. तो चलिए मैं पहले जॉइंट लगा लेती हूँ. इसकी कटिंग कर लेंगे. तो इस तरह से हम सारे स्ट्रिप का कटिंग कर लेंगे और इसमें हम जोड़ लगा लेंगे. और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा के इसे जोड़ लगा लेंगे. और इस तरह से आपको जितना भी लंबी स्ट्रिप चाहिए आप रेडी कर सकते हैं. तो देखिए इसके लिए हम ऑटोमेटिक मशीन का यूज करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन होता है उसका यूज करेंगे. इस तरह से देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप जोड़ी बना सकते हैं. मैंने ऑलरेडी एक बना के रख लिया इस तरह से. और इस तरह से मैंने बायस स्ट्रिप को जोड़ के लंबा बना लिया है. आपको इसको जितना लंबा चाहिए आप उतना जोड़ के इसे लंबा बना सकते हैं. ये आप कहाँ से ले सकते हैं, जहाँ से आप स्टिचिंग के सारे मटेरियल्स खरीदते हैं उसी दुकान में मिल जाएगा आपको. बिल्कुल बीच में रखेंगे इस तरह से, इस तरह से बिल्कुल बीच में रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से हाथ से अच्छे से ऐसा दबा लेना है. अब इस मशीन पे आपको पाइपिंग वाला फुट लगाना है. मैंने ऑलरेडी ये लगा लिया है, आप इसको जरूर चेंज कर लें. इसको हाथ से व्हील को एक बार घुमा के देख लेंगे कि कहीं ये सुई अटक तो नहीं रही है, नहीं तो आपका सुई टूट सकता है. तो इसको जरूर से एक बार हाथ से व्हील घुमाते हुए चेक कर ले. तो ये मेरा सही है. तो पहले हम इसको एक बार इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे. अब इसको दोबारा से वहीं पर रखेंगे. तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जो डोरी है ये हमारा नहीं आएगा, ये हमारा यहाँ पर अटक जाएगा. अब इसके किनारे किनारे में हमें सिलाई लगाना है. इतना टाइटली सिलाई लगाना चाहिए कि ये आपका हिले नहीं डोरी, लेकिन डोरी पे सिलाई भी नहीं आना चाहिए. तो चलिए इस तरह से देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का देखिए इस तरह से.
एकदम बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई को लगाएंगे। और देखिए इससे बीच में हम डोरी को रखते जाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और ये सिलाई देख सकते हैं आप, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरफ से भी ये काफी फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो रहा है। अब जब हम यहाँ पर ये जॉइंट पे आएंगे तो जॉइंट को आपको इस तरह से खोल लेना है, दोनों मार्जिन को दो तरफ कर देना है इस तरह से, और इसको नाखून से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो मार्जिन है इसको एक तरफ नहीं करना है, इसको दोनों तरफ रखना है। इससे क्या होगा, ये हमारा डोरी मोटा नहीं बनेगा, बहुत ही बारीकी से बनेगा ये। अब इसको इस तरफ से रखेंगे, सेम इसी तरह रख के इसको इस तरह से रखते हुए फिर से सिलाई लगाएंगे। और इसको इस तरह से बीच में रखेंगे और इसको टाइटली रखेंगे। ध्यान रखिए ये आपका डोरी जो है ये टाइटली रखना है, और इस तरह से हम पूरे सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लेंगे। तो ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा फिनिशिंग के साथ ये मेरा रेडी हो चुका है। और इसका जो सिलाई आप देख सकते हैं, और इसका जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आया है। और ये जो सिलाई देखिए ये बराबर गया है, और आपका देख सकते हैं इसका फिनिशिंग, ये कहीं से भी मोटा पतला नहीं हुआ है। तो देखिए मैंने इसको ब्रदर का FS101 से इसको रेडी किया है। अगर आपको भी ये मशीन खरीदना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया था, आप भी अगर चाहते हैं इसको परचेस करना आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उस लिंक से जाकर आप खरीद सकते हैं इसको। इस मशीन से मैंने इस डोरी को बनाया है, आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग, ये काफी ज्यादा फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स इसमें 100 टाइप का डिजाइन है, और आपको इसमें अल्फाबेट भी मिल जाता है जिससे आप नाम वगैरह लिख सकते हैं, और इसमें नंबर भी है, नंबर भी दिया गया है। तो इस तरह से इसमें आप काफी ज्यादा आप इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन का शौक रखते हैं तो इसमें आपका बहुत सारे डिजाइन बन सकता है, आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट करके आप मुझसे अगर कुछ इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के नए नए वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूले ताकि मेरा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।